तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास बजाज कंपनी का डिस्कवर 110 सीसी बाइक है और ये बाइक ना ही प्रॉपर पिकअप ले रहा है और ना ही ये एवरेज दे रहा है। इस बाइक का कस्टमर ने इसको खुद से घर पे माइलेज सेटिंग किया लेकिन इस बाइक का माइलेज बिल्कुल ख़राब हो गया। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि माइलेज सेटिंग करने का हम सही ट्रिक बतलाएंगे, सही तरीका बतलाएंगे। आप इस तरह से माइलेज सेटिंग कीजिएगा बाइक का तो आपको बाइक का माइलेज प्रॉपर सही देखने को मिलेगा और बाइक का पिकअप भी सही हो जाएगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। कि कार्बोरेटर का ट्यूनिंग जो है तो सही नहीं रहेगा तो ना ही आपका बाइक पिकअप देगा और ना ही माइलेज देगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए हम बाइक को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट और आपको बतला रहे कि कार्बोरेटर को सेटिंग कैसे करना है। बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ पे देखिए दो ठो स्क्रू मिल रहा है। ये जो स्क्रू है ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर का स्क्रू है और ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं बाइक का आरपीएम सेटिंग स्क्रू है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक स्टार्ट करने के बाद अगर आपका बाइक बंद हो रहा है यहाँ से बाइक का थोड़ा रेस बढ़ा लेना, आरपीएम वाले स्क्रू थोड़ा टाइट कर लेना है। फिर क्या करना है, ये जो फ्यूल मिक्सर स्क्रू है ये स्क्रू इस नट को आपको फुल टाइट कर देना है। आप वीडियो को कहीं से भी आप लोग कट नहीं कीजिएगा नहीं तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिल पाएगा। चलिए हम इस नट को देखिए फुल टाइट कर रहे हैं, इस नट को देखिए फुल टाइट किए बाइक का रेस कम हो गया तो यहाँ से थोड़ा और आरपीएम हम लेंगे। अब क्या करना है, ये जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर का ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को आस्ते आस्ते से एंटी क्लॉकवाइज इसको ढीला करना है। आस्ते आस्ते से ढीला करना है इस तरह से। देखिए इसको हम जैसे जैसे फ्यूल और एयर स्क्रू को ढीला कर रहे हैं बाइक का रेस बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बाइक का जो है सो आरपीएम टॉप हो गया, यहाँ पे आकर के आरपीएम रुक गया। जहाँ पे आरपीएम आकर के रुक जाए वहां से आपको इसको थोड़ा ज्यादा ढीला कर देना, थोड़ा ज्यादा। देखिए इसको अब यहाँ पे आरपीएम कम गया तो यहाँ पे छोड़ देना है इसको। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो आरपीएम सेटिंग स्क्रू है इससे आपको आरपीएम सेटिंग कर लेना है। आपको उतना आरपीएम रखना जितना भी बाइक का बाइक जो है सो बंद ना हो। देखिए बाइक का माइलेज जो है सो प्रॉपर सेट हो गया। आप इस तरह से माइलेज सेटिंग कीजिए आपका बाइक का माइलेज प्रॉपर सही हो जाएगा और एवरेज सही हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि इस नट को कितना राउंड ढीला करना है, सभी बाइक में अलग अलग तरीका है। मैं आपको ये नहीं बदला, जैसे कि इस बाइक में हम देखिए इस बाइक में फुल टेंट करके 4.25 राउंड ढीला किए हैं, बहुत सारे बाइक में 3.5 राउंड भी ढीला करते हैं, 3 राउंड भी ढीला करते हैं। तो माइलेज सेटिंग जब भी आप करते हैं बाइक का इस एयर स्क्रू को फुल टेंट कर दीजिए, फिर यहाँ से थोड़ा आरपीएम रेस कर लीजिए, उसके बाद इस नट को ढीला कीजिए थोड़ा थोड़ा, जहाँ आपका बाइक टॉप स्पीड आ जाए उससे थोड़ा ज़्यादा ढीला कर दीजिए, फिर यहाँ से आरपीएम आप मेंटेन कर दीजिए, बाइक का माइलेज प्रॉपर सही आपको देखने को मिलेगा। हम बाइक को बंद करके आपको स्टार्ट करके दिखला रहे प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है नहीं। देखिए बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट हो गया। आप इस तरह से अपने घर पर खुद से भी आप माइलेज सेटिंग कर ले, आप इस तरह से अपने घर पर खुद से भी माइलेज सेटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से माइलेज सेटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, इस बाइक का आपको टैपेट चेकअप करना है। अगर आप लोग को टैपेट सेटिंग का वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।